और डिटेक्टिव में अब बात एक प्रेमी के घिनौने गुनाह की। ग्वालियर में एक प्रेमी ने अपने ही दोस्तों के साथ मिलकर अपनी प्रेमिका को गैंगरेप का शिकार बना डाला। पीड़ित लड़की की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। प्रेमी का घिनौना गुनाह, प्रेमिका के साथ हैवानियां, दोस्तों के साथ मिलकर प्रेमिका से गैंगरेप, ये सनसनीखेज मामला सामने आया है ग्वालियर से, जहां एक युवक पर यह घिनौना आरोप लगा है। आरोप है कि राहुल ने न सिर्फ लड़की को अपने दोस्तों के साथ मिलकर कार में अगवा किया, बल्कि उसने अपने इन दोस्तों के साथ मिलकर उसके साथ गैंगरेप की वारदात को भी अंजाम दिया। राहुल ने बोला कि चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारे साथ में शादी करता हूँ। लड़की ने जब मना किया तो वो उसको धमकी देकर के जबरदस्ती अपने साथ में ले गए, और बाद में राहुल ने किसी मंदिर पर, कोई खेरिया के मंदिर पर लड़की के साथ झूठ मूठ की शादी की, और उसके बाद ग्वालियर से अम्बा के रास्ते में ये तीनों बैगनार से लड़की को ले गए, और रास्ते में एक सुनसान सी जगह पर, सुनसान खेत पर इन्होंने गाड़ी रोकी, और पहले राहुल तोमर ने उसके साथ में बलात्कार किया, उसके बाद आशीष तोमर ने उसके साथ बलात्कार किया, और विक्की तोमर विवेक तोमर वहीं गाड़ी में बैठा रहा। वारदात ग्वालियर के पुरानी छावनी इलाके की है। इसी इलाके की रहने वाली पीड़ित को राहुल ने पहले अपने प्यार के जाल में फंसाया, उसे शादी का झांसा देकर उसके साथ बलात्कार किया, और फिर 25 अक्टूबर की रात को दोस्तों के साथ मिलकर दो बार घिनौने गुनाह को अंजाम दिया। फिलहाल पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने वारदात में शामिल तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मार्च 2014 में राहुल तोमर नाम का लड़का, जो कि उसके घर के आसपास में रहता है, तो राहुल तोमर नाम के लड़के से उसकी बातचीत होती रहती थी। एक बार उसने कोचिंग पर फरियादिया को बुलवाया और उससे शादी करने के लिए बोला कि मैं तुमसे शादी करूंगा, और शादी करने का झांसा देकर उसके साथ में उसकी इच्छा के प्रति जबरदस्ती उसके साथ गलत काम किया, और उसको धमकाया कि वो घर पर किसी को भी ना बताए। जिन्होंने गुनाह के तीनों आरोपी सलाखों के पीछे हैं, और अब जांच के बाद कानून इनके इस गुनाह की सजा तय करेगा। सुशील कौशिक, जी मीडिया, ग्वालियर।